तो हम सभी देखते कि थाइमस से अकुमो अपनी फुल पावर में लड़ रहा होता है। अकुमो लगातार अपने काफी सारे हमले थाइमस पर करता है। थाइमस लगातार अकुमो से पिटता रहता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी जोमान कहता है, क्या आखिर ये सब क्या चल रहा है लॉर्ड अकुमो? लेकिन तभी हम सभी देखते कि थाइमस अचानक से अकुमो के हमले को पकड़ लेता है। और तभी थाइमस कहता है, क्या बात है अकुमो, तुम न जाने कैसे लेकिन हर बार कुछ अलग करके दिखाते हो, लेकिन अब नहीं। ये कहने के बाद हम देखते कि थाइमस अपना हमला करता है अकुमो पर, लेकिन उसके बीच में यामोशी आ जाता है। यामोशी अपनी फाइनल फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और यामोशी तभी कहता है, थाइमस तुम्हें क्या लगता है कि इस लड़ाई में अकुमो अकेला है? लेकिन ऐसा नहीं है, क्या तुम हमें भूल रहे हो? जो देखकर थाइमस तभी कहता है, ओ हाँ, मैं तो जैसे तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। लेकिन एक मिनट, अब ये क्या है? क्या ये तुम्हारी कोई नई शक्तियां हैं? लेकिन ये काफी अच्छी नजर आती है, जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, अकुमो आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम हमारी बातों को आखिर क्यों नहीं समझ रहे? तुम इसे अकेले नहीं हरा सकते, हमें इसे एक साथ और मिलकर हराना होगा अकुमो। ये सुनकर थाइमस हंसते हुए कहता है, क्या तुम वापस से मिलकर मेरे ऊपर हमला करने वाले हो? तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार रहेंगी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तैयार हूँ। वैसे भी अभी ये खेल बहुत हो चुका है, तो आ जाओ। ये कहने के बाद कोड़ा कहता है, हाँ लॉर्ड अकुमो, यामोशी एकदम सही कह रहे हैं। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, कोड़ा क्या अब तुम मुझे बताओगे कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? लेकिन तभी हम देखते हैं कि थाइमस अचानक अकुमो के ऊपर अपना हमला करता है, पर अकुमो उस हमले को डॉच कर लेता है और थाइमस से कहता है, थाइमस तुम मुझे जैसा सोच रहे हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, समझे? जिसके ऊपर तभी अकुमो थाइमस के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन थाइमस उस हमले को बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है। थाइमस कहता है, तुम गलत समझे अकुमो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं मानता क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। ये कहने के बाद थाइमस अपना हमला करता है अकुमो के ऊपर। अकुमो उस हमले को रोक नहीं पाता, अकुमो काफी दूर जा गिरता है। ये देख के कोड़ा हैरान होता है, लेकिन अगले ही पल थाइमस कोड़ा के सामने आ जाता है। कोड़ा थाइमस को देख तक नहीं पाता। थाइमस एक काफी बड़ा हमला कोड़ा पे करता है, जिससे कोड़ा भी चोट खा के दूर गिर जाता है। और तभी यामोशी ये सभी देख के कहता है, क्या ये बहुत तेज है, इसे देखना लगभग नामुमकिन है। जिसके ऊपर तभी थाइमस यामोशी के ऊपर भी अपना हमला करता है, लेकिन यामोशी उसे बड़ी मुश्किल से ही रोक पाता है, जो देखकर थाइमस कहता है, ओ तो लगता है कि तुम्हारे अंदर भी अकुमो की जैसी थोड़ी शक्तियां हैं, तो चलो अब इसे संभालो। ये कहने के बाद थाइमस अपने एक हमला करता है सीधा यामोशी के ऊपर, लेकिन इस बार यामोशी उस हमले को नहीं रोक पाता, वो चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। ये सभी देख के क्योगा कहता है, ये क्या है, ये तो एक एक करके सबको ढेर करता जा रहा है, क्या इसके सामने हम जीत भी सकते हैं? लेकिन मुझे ये सब नामुमकिन सा लग रहा है। जिसके ऊपर जोमान भी कहता है, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, ये सब आखिर चल क्या रहा है? जिसके ऊपर तभी थाइमस कहता है, क्या हुआ सभी सेंस, क्या तुम लोग ढेर हो गए? अब चलो भी खड़े हो जाओ, मैं तुम तीनों महान सयन से इसकी उम्मीद तो कर ही सकता हूं ना, तो चलो अब लड़ाई को शुरू करते हैं या फिर। जिसके ऊपर तभी हम देखते कि अकुमो खड़ा होता है और वो अपना हमला करने के लिए जाता है थाइमस के ऊपर, लेकिन इस बार थाइमस उस हमले को रोक लेता है। और तभी थाइमस कहता है, ओ अकुमो लगता है कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हो, और ऐसा होना भी चाहिए मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। ये कहने के बाद थाइमस अकुमो पर अपना हमला करता है, लेकिन इस बार कोड़ा बीच में आ जाता है और उसी के साथ यामोशी भी, दोनों मिलकर थाइमस के ऊपर अपना एक हमला करते हैं, लेकिन थाइमस उस हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है। और तभी थाइमस अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट उन तीनों की तरफ कर देता है, जिससे वो तीनों ही काफी दूर जा गिरते हैं। और ये सभी देख के थाइमस कहता है, अरे नहीं अब तुम लोग मुझे काफी ज्यादा बोर कर रहे हो, मैं अब इस लड़ाई को सीरियस लेने की सोच रहा था, लेकिन तुम लोग इतने कमजोर, तो क्या मैं मान लूं कि अब ये लड़ाई यहीं पर खत्म होती है और तुम सभी हार गए? और ये सभी देख के जोमान कहता है, नहीं आखिर ये सब क्या हो रहा है,
ये सभी मिलकर भी इसे बस कुछ खरोची पहुंचा पाए हैं। आखिर इसकी शक्तियां है क्या? जिसके ऊपर तभी हम देखते कि यामोशी सबसे पहले खड़े होता है और यामोशी खड़े होते हुए कहता है, ताइमस, मुझे पता है कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें भी पता है कि तुम जैसे ही ये सब पालोगे, तुम इन सभी चीजों को नष्ट कर दोगे और तुम सब ये खुद करने वाले हो। क्या एक ओमनी गॉड भला ऐसा कर भी सकता है? जिसके ऊपर थाइमस कहता है, जो चीज बनती है वो टूटती भी है ताकि वो और बेहतर बन सके। और हाँ, रही बात ओमनी गॉड की, तो तुम भी जानते हो कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन इस ब्रह्मांड का ही नियम है, और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मैं तो बस उस नियम को सिर्फ और सिर्फ फॉलो कर रहा हूँ। और हाँ, तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है। मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा और उस दुनिया में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होएगा, खास करके शक्तियों के मामले में। और ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये उस ओमनी किंग की गलती है, और उन सभी ओमनी किंग की गलतियों को मैं सही करने वाला हूँ। और साथ ही मैं उन्हें दिखाऊंगा कि आखिरकार एक अच्छी दुनिया का निर्माण कैसे होता है। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, ओ अच्छा, और तुम ये सभी करने वाले हो उन सभी बेचारे मोर्टल्स की जान लेकर। तुमसे बड़ा गुनहगार और कोई भी नहीं हो सकता। जिसके ऊपर थाइमस कहता है, हो सकता है अगर तुम में हिम्मत है तो आके मुझे रोक लो। और वैसे भी तुम तो क्या, कोई भी शख्स मुझे रोकने के काबिल नहीं है थाइमस को। जिसके ऊपर तभी अकुमो खड़े होते हुए कहता है, थाइमस, ये लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। जिसके ऊपर थाइमस कहता है, ओह अकुमो, तुम वापस से खड़े हो गए, तो चलो लगता है कि कुछ और मजे करने का समय आ चुका है। ये कहने के बाद थाइमस अकुमो और यामोशी के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन वो लोग उसके हमले को डॉच कर लेते हैं। कोड़ा भी कैसे भी कर खड़ा होता है, और तभी यामोशी कहता है, अकुमो मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमें अब अपना सबसे ताकतवर हमला एक साथ मिलकर इसके ऊपर करना होगा, क्या तुम तैयार हो? जिसके ऊपर कोड़ा कहता है, हाँ यामोशी, मैं तैयार हूँ। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते थाइमस को, जो कि हंसते हुए कहता है, क्या बात है, तुम तीनों मिलकर मेरे ऊपर अपना सबसे ताकतवर हमला करने वाले हो। चलो ठीक है, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहीं पर खड़ा हूँ, चलो अब आगे बढ़ो, मजा आएगा। जिसके ऊपर तभी यामोशी, अकुमो और कोड़ा अपना पावर अप करके एक काफी बड़ा हमला सीधा करते थाइमस के ऊपर, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम सभी देखते हैं जैसे ही वहां से धुआं हटता है, थाइमस वहीं पर खड़ा होता है और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके अगले ही पल थाइमस हंसते हुए कहता है, अरे ये क्या हुआ, तुम्हारा ताकत और हमला कुछ भी नहीं कर पाया। और ये सभी देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यामोशी कहता है, क्या आखिर ये कैसे, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। जिसके ऊपर तभी थाइमस अपने काफी बड़ा हमला सीधा उन तीनों के ऊपर करता है। वो तीनों उस हमले को नहीं रोक पाते और चोट खाके काफी दूर गिर जाते हैं। और तभी थाइमस खाली सिर्फ जोर जोर से हंसता रहता है और वो कहता है, क्या हुआ, इतिहास के तीन सबसे ताकतवर सैयन, क्या तुम मेरे सामने कमजोर पड़ गए? तो चलो लगता है कि वक्त आ चुका है इस लड़ाई को खत्म करने का, सैयंस। ये कहने के बाद हम देखते कि थाइमस हंसता रहता है, लेकिन तभी इतनी जल्दी भी नहीं, अभी भी इस लड़ाई में सैयंस बाकी है। ये आवाज सुनकर थाइमस कहता है, क्या भला आखिर अब तुम कौन हो? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, मैं हूं इस मल्टीवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग, सन गोकू।